दिग्रह शहर में हाल ही में आर्मी डे मनाया गया। सेना के पूर्व सैनिक लक्ष्मण खंडारे की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में दिग्रह तहसील तथा परिसर के पूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आर्मी की संरचना, आर्मी का योगदान तथा अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पर अपने विचार व्यक्त किए। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया देश के लिए एक तरह से नुकसान का सबब है, क्योंकि हमने अपने सेना के सेवा काल में बहुत सी चीजें सीखी है, लेकिन हम फिर भी बहुत सी चीजें सीख नहीं पाए। ऐसे में अग्निवीर के तहत भर्ती होने वाले युवा भला 4 साल में क्या सीखेंगे और क्या सेवा देंगे। इसलिए अग्निवीर के नाम पर सरकार ने जो उपाय किया है वो केवल चमचागिरी का उपाय है। इस आशय का व्यक्तिगत वक्तव्य दिग्रस में आयोजित इंडियन आर्मी डे कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित पूर्व नायक सूबेदार देवानंद राठौड़ ने किया। पूर्व सैनिक लक्ष्मण खंडारे के फार्म हाउस में आयोजित कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। मोदी जी समोर हे होता की बा रोजगार कसं द्यायचं, द्यायचा 3-3 वर्ष झाले, द्या 4 वर्ष मोकळं करा, पण त्याचं तर आयुष्य बर्बाद झालेलाच आहे। पण याच्यानं तर देशाच्या सुरक्षेला खतरा आहे का? आम्ही 5-5 वर्षापर्यंत आम्हाला काही शिकता आलं नाही, माझा परिचय दिला नाही, मी शेवटी करतो, तर आम्ही 5-5 वर्षापर्यंत शिकलो नाही। मी वायरलेस ऑपरेटर होतो एअर डिफेन्स आर्टिलरीमध्ये। तर हे 4 वर्षाचे लोक त्याला ते ना ते एसएलआर रायफल खोलता येईल, ना एमएमजी खोलता येईल, ना एलएमजी खोलता येईल, ना कार्बन खोलता येईल, ना पिस्टल खोलता येईल। मला सांगा तुम्ही, या 4 वर्षात ज्याला पिस्टल ग्रुप माहीत नाही, त्याला ब्रिज ब्लॉकचं माहीत नाही, ते काय शिकणार? मला सांग, टाईमपास करेल? एखादा साहेबाला पकडून घेईल, सेवादार बनून जाईल, साहेब मेरी नोकरी बुडाव, साहेब मेरी नोकरी बुडाव। म्हणजे हा जे सरकारने जे केलेलं आहे फक्त चमचागिरीचा उपाय असं मला संपूर्ण वाटते। का एखादा अधिकारीला तो साहेब म्हणून बोलवतो, अरे तुझी तेरी नोकरी बुडा तुम्ही, ना तू काय विचारसाल कुठेगा? असं लालचीच्या मारी जातो विचारा। म्हणजे त्याचं म्हणजे हे पोषण शोषण तो होतोच असं आहे याच्यात। बीते रविवार को इस कार्यक्रम में दिग्रह शहर और तहसील तथा परिसर के सेना से निवृत्त पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश संतोष जायसवाल उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने अपने सेवा काल के दिल दहला देने वाले युद्ध के अनुभव, आर्मी की संरचना, देश की उन्नति में सेना का योगदान के साथ ही वर्तमान केंद्र सरकार की सैनिकों के प्रति नीतियों पर प्रहार करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। देशाच्या करता आज भी जे आहे सीमेवर तर जायला तयार आहे असे माजी सैनिक आहे, परंतु या देशाचे जे आहे जे भी राजकर्ता आहे त्यांनी या माजी सैनिकांचा आणि सैनिकांचा कदर करायला पाहिजे, नाहीतर जे आहे लय मुश्किल आहे। अग्निवीर काय करणार गेले? अरे पहा, आज आमचे जे माजी सैनिक आता ते रिटायर आहे, पण तरी पण त्यांच्या डोळ्यातून असू निघत आहे। तरी पण या देशाचे जे राजकर्ता यांना जे आहे ते काही कळत नाही की यांच्या करता मी काय करावं म्हणून। शरी जय हिंद जय भारत। जे माणूस सर्व्हिसला असताना एवढं चाडस करू शकतय, पॅराजंप करू शकताय दुश्मनच्या इलाक्यामध्ये, सर्व करू शकताय, ते रिटायर झाल्यावर त्याचे गुण काय निघून गेले, तो का भित्र झाला असं होऊ शकतय का? नाही। पण दुर्दैवाची गोष्ट आहे की सैनिकाच्या जे कौशल्याचा सरकार उपयोग करून घेत नाही, आणि हीच फार मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे। एवढे बोलून माझे 200 शब्द। इस कार्यक्रम में कॅप्टन अशोक कांबळे, पूर्व सैनिक हवालदार राजू सिंह राठोड, नायक फरोजचंद घाडगे, पूर्व नायक सुभेदार विजय भोसले, पूर्व सैनिक नायक रवि चिरडे, पूर्व सैनिक सुभेदार मेजर शेषराव खरात, पूर्व सैनिक नायक सुनील पवार, पूर्व सैनिक नायक संजय अंबुरे आदि सहित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड किशोर कदम, कॉमरेड शंकर लोखंडे, कॉमरेड गुलाबराव उमरतकर, कॉमरेड दिलीप महाजन, साथ ही भारतीय बुद्ध महासभा के राजेंद्र शेळके, प्रदीप नगराळे, विनायक देवतळे, तुकाराम उबाळे, किसनराव उबाळे, भीमराव नगराळे, प्रकाश नगराळे, रामभाऊ गजभार, मेश्राम भरणे इंगोले, किशोर कदम, शंकर लोखंडे, कॉमरेड लक्ष्मण खंडारे प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन प्रदीप नगराळे ने किया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत से हुआ। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।